अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम परवेज़ इकबाल है और मेरा तल्लक गम ट्री रियल स्टेट मार्केटिंग के प्लेटफॉर्म से है। हम रावलपिंडी इस्लामाबाद में मुख्तलिफ हाउसिंग प्रोजेक्ट के साथ काम कर रहे हैं और गए बगैर आपके लिए मुख्तलिफ हाउसिंग सोसाइटी के अंदर इन्वेस्टमेंट अपॉर्चुनिटी और रेजिडेंस के हवाले से इंफॉर्मेशन लेके आते रहते हैं। तो आज हम जिस सोसाइटी के हवाले से आपके साथ इंफॉर्मेशन शेयर करने जा रहे हैं, सोसाइटी का नाम है रूडन इनक्लेव। रूडन इनक्लेव बेसिकली, इसकी सबसे पहले लोकेशन की बात की जाए तो ये मेन अडयाला रोड के ऊपर वाक़ है। आप मेन अडयाला रोड से भी एक्सेस कर सकते हैं, जरार कैंप से 1 किलोमीटर पहले है। फिर इसी तरह बैरिया फेज़ 8 की अपोजिट साइड बनती है और ये मेन अडयाला रोड से शुरू हो रहा है और चक्री रोड के ऊपर कैपिटल स्मार्ट सिटी के अपोजिट साइड पे ये आ रहा है। अगर इसके ओनर की बात की जाए तो इनके ओनर रेमोदी नईम साहब हैं और रिमर्स को प्राइवेट लिमिटेड का ये प्रोजेक्ट है। इसके टोटल एरिया की बात की जाए तो टोटल एरिया इनके पास 32,000 कनाल ज़मीन जो सोसाइटी के नाम पर है। इसी तरह प्रोजेक्ट की अगर बात की जाए कि प्रोजेक्ट कब स्टार्ट हुआ, तो ये 2020 में प्रोजेक्ट स्टार्ट हुआ और आज हम स्पेशली रूडन इनक्लेव के डेवलपमेंट के हवाले से आपको अपडेट करेंगे कि बहुत सारी मार्केट में एक र्यूमर्स थी कि जी डी रूडन इनक्लेव पिछले 2 साल से जी डेवलपमेंट नहीं कर रहा और मुमकिन है कि जी इसकी डिवेलपमेंट नहीं होगी। तो सबसे पहले आपको प्लस पॉइंट बताते चलें कि जी रूडन इनक्लेव सबसे पहले तो ज़मीन इन्होंने एक्वायर की, फिर उसके बाद आप अगर डिवेलपर की बात की जाए तो इस टाइम रूडन इनक्लेव के पास जो डेवलपर है आपका पिंडी इस्लामाबाद का स्टैंडर्ड के जो डेवलपमेंट करने वाले लोग हैं उनमें से एक है और अलहक बिल्डर और न्यू लीफ, इसी तरह यूपीडीएल जना मेन इनके डेवलपर हैं। यूपीडीएल की अगर बात की जाए तो यूपीडीएल जिन्होंने गुलबर्ग ऑलरेडी डिवेलप किया है और गुलबर्ग इस्लामाबाद की एक मिसाल है पिंडी इस्लामाबाद के अंदर। और यूपीडीएल आपको पता है कि किसी ऐसे प्रोजेक्ट के ऊपर कभी भी हाथ नहीं डालता जिसकी कोई क्रेडिबिलिटी के ऊपर लोग उंगली उठाते हों। तो पहली बात तो यह है कि रूडन इनक्लेव के अंदर एक अच्छा डेवलपर है जो सोसाइटी में डेवलपमेंट की कर रहा है। फिर अगर सोसाइटी की प्लानिंग की बात की जाए तो इनकी प्लानिंग नेस पार्क के पास है। फिर रावलपिंडी रिंग रोड की बात की जाए तो रावलपिंडी रिंग रोड जो है वो नेस पार्क इसकी भी रिंग रोड की भी जो है ना प्लानिंग और डिज़ाइन जो है ना वो नेस पार्क के पास है। समटाइम लोग कहते हैं जी एक जी लोग ज़्यादातर जी रिंग रोड की बात करते हैं, तो पहली बात तो ये होती है कि किसी एरिया के अंदर लोकेशन और फिर रोड इंफ्रास्ट्रक्चर एक्सेस ये चीज़ें मैटर करती हैं। तो रूडन इनक्लेव के हवाले से बताते चलें कि रावलपिंडी रिंग रोड का जितना फ़ायदा फ्यूचर के अंदर रूडन इनक्लेव को है इवन किसी सिंगल सोसाइटी को नहीं है। रीज़न बिहाइंड क्या है कि 2 डेजिग्नेटेड इंटरचेंज इस टाइम जो रूडन इनक्लेव को मिले हैं, एक अडयाला रोड के ऊपर वो 0 किलोमीटर है आपका रूडन इनक्लेव की साइड से। फिर दूसरी बात अगर की जाए तो दूसरा इंटरचेंज आपका चक्री रोड के ऊपर वो भी रूडन इनक्लेव से 500 मीटर की दूरी के ऊपर है। अगर आपने रूडन इनक्लेव से फ्यूचर में मोटरवे एक्सेस करना है, टोटली आपके 5 मिनट की ड्राइव के ऊपर आप मोटरवे M1 M2 एक्सेस कर सकते हैं। अगर आपने एयरपोर्ट एक्सेस करना है तो आप हार्डली आपके 10 से 15 मिनट की ड्राइव के ऊपर आप एयरपोर्ट को एक्सेस कर सकते हैं। इसी तरह आपने जीटी रोड एक्सेस करना है तो आपके टोटली 15-20 मिनट की ड्राइव के ऊपर आप रवात तक पहुंच सकते हैं। तो कहने का मकसद यह है कि टोटली गेम चेंज है। आप फ्यूचर की बात की जाए, इसी तरह आप प्रीवियस प्रोजेक्ट में देखा जाए तो देखें टॉप सिटी मुमताज़ सिटी के लोग आज बड़ी मिसालें देते हैं कि टॉप सिटी और मुमताज़ सिटी में जिन लोगों ने पैसा लगाया वो कहाँ से कहाँ पहुँच गए। तो बैक हिस्ट्री देखा जाए तो जिन लोगों ने टॉप सिटी और मुमताज़ सिटी के अंदर अपना पैसा लगाया उन्होंने वेट कितना किया, पहली बात तो ये देखने वाली है कि 2004-05 का प्रोजेक्ट है। लोग उस टाइम कहते थे कि जी कहाँ एयरपोर्ट शिफ्ट होना है, कहाँ कश्मीर हाईवे आनी है। तो देखें आज कश्मीर हाईवे आ गई, एयरपोर्ट शिफ्ट हो गया और टॉप सिटी के रेट कहाँ से कहाँ पहुँच गए। तो किसी भी प्रोजेक्ट के अंदर मेन चीज़ होती है कि प्रोजेक्ट के पास ज़मीन है, फिर उनके लोगों की देखा जाता है कि उनकी क्रेडिबिलिटी की है क्या है कि वो डिलीवर करेंगे नहीं करेंगे। फिर डेवलपर का बड़ा मेन रोल होता है कि डेवलपर कौन है और इन्होंने कौन से ऐसे प्रोजेक्ट ऑलरेडी डिलीवर किए हैं। फिर आप उस हवाले से थर्ड पे जाते हैं कि जी रोड इंफ्रास्ट्रक्चर क्या है या एक्सेसिबिलिटी क्या है। तो देखा जाए तो रूडन इनक्लेव इस टाइम आपका फ्यूचर का ग्रूमिंग प्रोजेक्ट है। फिर मार्केट में एक बड़ी अजीब सी र्यूमर चल रही थी कि जी रूडन इनक्लेव बिल्कुल फ्लॉप सोसाइटी हो गई है और इन्हें डेवलपमेंट नहीं कर रहे। तो आज उन लोगों के लिए ये है कि हम अपनी वीडियो के साथ ये भी चलाएंगे डेवलपमेंट भी और हमारे न्यू व्यूवर्स को भी अब बताते चलें कि जी सोसाइटी को आप किसी तरह लोगों की बातों पे ना जाएं, फिज़िकली आप एक दफ़ा विज़िट करें और आपको खुद आइडिया हो जाएगा कि सोसाइटी क्या करने जा रही है। साइट पे सोसाइटी को फिज़िकली देखें, पैन समझें, फिर उसके बाद अपना फैसला करें। इस टाइम आपको बताते चलें कि रूडन इनक्लेव के अंदर हैवी मशीनरी जो है ना वो आपका डिवेलपमेंट का काम स्टार्ट हुआ है वहाँ पर कर रही है और इंशाल्लाह कोई आने वाले कुछ
3 से 4 महीने के अंदर आप रूडन एनक्लेव का मेन बुलेवर्ड ये आप कंप्लीट देखेंगे, फिर साइट के ऊपर आप साइट ऑफिस कंप्लीट होता हुआ देखेंगे, फिर इसी तरह आपका पार्क, मस्जिद, ये वो मेन चीज़ें हैं जो रूडन एनक्लेव साइट के ऊपर फिजिकली ऑन गोइंग है और अनकरीब ये चीज़ें कंप्लीशन के मरहल में होंगी। तो फिर कोई भी सोसाइटी रातों रात डिवेलप नहीं होती, फिर सोसाइटी में अनकरीब एक साइट पर फंक्शन सोसाइटी करने जा रही है, सोसाइटी रूडन एनक्लेव एग्जैक्टिव ब्लॉक की बैलेटिंग की हवाले से भी अपडेट करेगी कि कब बैलेटिंग करने जा रहे हैं, किन लोगों को बैलेटिंग में हम प्लॉट्स अलॉट करेंगे और उनके लिए क्या क्राइटेरिया है कि कितनी पेमेंट उनको करनी पड़ेगी। फिर उसके बाद अगर बात की जाए डिवेलपर की, डिवेलपर डे नाइट वहाँ पे ऑलरेडी उनकी मशीनरी लगी हुई है और डिवेलपर लुक ऑफर कर रहे हैं, तो कहने का मकसद यह है कि मार्केट में एक प्रीवियस 4 से 6 महीने से एक मार्केट में रूमर चल रही थी कि जी डिवेलपमेंट नहीं है, तो उन लोगों के लिए यह है कि जिन लोगों ने रूडन एनक्लेव के अंदर इन्वेस्टमेंट की है उनको मैं बताता चलूँ कि उनके लिए बहुत वो लकी लोग हैं और अपनी इन्वेस्टमेंट सिक्योर करें और सोसाइटी को प्रॉपरली टाइम पे इंस्टॉलमेंट अपनी देते रहें ताकि आपका प्लॉट सिक्योर रहे और डेवलपमेंट आप फिजिकली खुद जाके विजिट कर सकते हैं। और वो नए लोग जिनको मार्केट में एक अजीब सी र्यूमर्स चल रही है कि जी डेवलपमेंट सोसाइटी नहीं कर रही, उनके लिए भी ये है कि फिजिकली एक दफ़ा विजिट करें, देन डिसाइड करें कि रूडन एनक्लेव में इन्वेस्टमेंट करनी चाहिए या नहीं करनी चाहिए। फिर सोसाइटी के एनओसी के हवाले से एक मार्केट में अजीब सी र्यूमर्स हैं, देखिए कोई भी डॉक्यूमेंटेशन होती है उसके ऊपर टाइम लगता है, फ्रेमवर्क है, गवर्नमेंट के इदारे हैं टाइम लेते हैं, तो वो उसके हवाले से भी बड़ी पॉजिटिव न्यूज़ आ रही हैं, तो इंशाल्लाह सोसाइटी अनकरीब साइट के ऊपर फंक्शन करने जा रही है। तो आज स्पेशली हम आपको ये बता रहे हैं कि रूडन एनक्लेव के ऊपर जितनी भी नेगेटिव प्रोपेगेंडा हो रहा है कि जी डेवलपमेंट नहीं होगी या नहीं करेंगे, उनको बताते चले कि ऐसा कुछ भी नहीं है, आप फिजिकली साइट विजिट करें और देन डिसाइड करें कि रूडन एनक्लेव के अंदर इन्वेस्टमेंट रखनी चाहिए या करनी चाहिए या नहीं करनी चाहिए। फिर आपको बताते चले कि सोसाइटी ने लास्ट टाइम अभी लेटेस्ट जो अपनी कटिंग लॉन्च की है उसमें जो बुकिंग हो रही है वो 14 मरला की है, 14 मरला अभी सोसाइटी के पास बिल्कुल प्री लॉन्च रेट के ऊपर बुकिंग है जिसकी टोटल प्राइस 35 लाख है और 7 लाख रुपए से आपकी बुकिंग है, इसी तरह आपकी 51,041 रुपये आपकी मंथली इंस्टॉलमेंट है। अगर आप सोसाइटी के विजिट करना चाहते हैं या इस रूडन एनक्लेव के हवाले से कोई भी इंफॉर्मेशन लेना चाह रहे हैं तो हमारे दिए गए कॉन्टैक्ट नंबर पर हमसे रब्ता कर सकते हैं। तो साइट पे हम जो ना वीडियो के साथ आप वीडियो भी चला रहे हैं ताकि फिजिकली आप इसको विजुअलाइज भी कर सकते हैं कि किस हद तक डेवलपमेंट का काम वहाँ पे स्टार्ट है। तो हमारा यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब कर दें ताकि आने वाली वीडियोस और अपडेट आपको टाइम पे मिलती रहें। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग यूट्यूब चैनल। अल्लाह हाफिज़।